ना कि तूने तो कहा था कि शौकत अली के घर जाना है, हाँ? मैंने कहा था शौकत अली के मजार पे दीवा बालना है। दीवे से तो पूछ लो, उसने बलना है या फिर उसकी कब्र कभी रोशन नहीं होगी। नहीं करनी इससे शादी। मेरी तरफ से साफ इनकार है। बात तेरी मान ली है, तारीख नहीं मान सकता। ओए ना कि दो चार दिन अगे की तारीख रख लो। ओए कल का दिन कोई खुदाई हुक्म है। ले दस जुतियां खा, चेक कर मेरे जितनी वारी दे सकता है, फिर आके खा उसकी कसम और कहना मैं खुश हूं शौकत अली, बड़ा खुश हूं। ना कि रात कसम दिया ही उसे, कहती है गांव छोड़कर जाएगा तो मेरा मरी का मुंह देखेगा। आप घबराओ ना मेहर साहब। अशुदया घबराता कौन है, पर अगर वो गांव छोड़कर ना गया तो ब्याह कर लेगा उसके साथ, और अगर नहीं करेगा तो रखी करा देगी और मैं हाजत की नमाज पढ़ता रह जाऊंगा। वही टिप्पणियां कुछ कर वे, वरना भंग पी पी मर जाना है मैंने। ओ मेहर साहब। हाँ मेहर साहब, आप हुक्म करो, मैं क्या करूं। ओए करना क्या है वे? वे शहर भेज दे उस कमीने को, भेज दे। वो ना जाए तो हमें कोई डर है उसका? वे चला गया तो कोई बुराई है क्या? वे सोच लिया है खून खराबे वाली बात नहीं करनी है, फिर गोली चलानी आ गई है उसे। गोली चल गई तो पता नहीं तुझे लगती है या मुझे। तो फिर ये कहो मेहर साहब, मार दे कमीने को, मुसीबत का पता चल जाए तो पाल कर जवान नहीं करते। ओए ना मरिया तो ना कि है ना खतरा, कोई शहर चला जाएगा गांव छोड़ देगा तो कोई खतरा नहीं होगा। गांव से गया तो वापस नहीं आएगा वो? ओए आया भी तो रखी समझा देगी आज रात को, कि जो होना था हो गया, दड़बट जा। सर सर मैं सर, रखी के कहने पर दड़बट जाएगी तो और क्या करेगी? बैठ के कहानी सुनाएगी उसको? बेवकूफा सबर करेगी? दर बट जाना कमी कमीनों की कमजोरी होता है, मजबूरी होता है। फर्ज माल बात पहुंची भी तो ज्यादा से ज्यादा रखी तक ही पहुंचेगी ना, तो वो तो जानती है कि मैं निबाज नहीं आना, और इसीलिए तो जतन करती फिरती है उसका ब्याह कराने का, उसको गांव में रोकने का। बड़ी चलाक औरत है, खतरे की बहू सूंघ लेती है। सोचा था कि रखी हवेली पहुंच गई
तो अख नीवी करके शहर चला जाएगा कमीना। उमर साहब गैरत आई आई पता नहीं किधर चली गई है। उमर साहब आप नशे में हो, किधर जाओगे? वो इधर ले ले भाई गाड़ी। क्यों आए? ना दस ब्याह करेगी मुझसे और पूछेगी क्यों आया। तारीख रखने आया हूं तेरे पास। तारीख वो रख के गई है, आप कहा था उसने आज शाम को, और तू अगर तारीख बदलने आया है तो नहीं मंजूर मुझे आज शाम को, वरना फिर काली जुमेरात को। कब आएगी काली जुमेरात? नाम सुने है। आई नहीं देखी, अल्लाह जाने आए ना है। मंजूर है मुझे। क्या मंजूर है? तारीख जो तूने रख दी है। बात सुन शौकत अली, साफ साफ कह दे नहीं करना व्याह। लारे ना लगा, ना मुझको ना उसको। वो पता नहीं क्या सोचती और तू पता नहीं क्या सोचता है। मैंने तो हाँ कर दी है, वादा कर लिया उसे। तो उसे ब्याह करूंगा पर पहले शहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर खत लिखकर इतला दूंगा। इतनी देर में आ जाएगी काली जुमेरात। वैसे वो कह के गई है शहर गया तो मेरा मरी का मुंह देखे। बंदा पूछे अब दो दो बारी तो कोई नहीं मरता, मरी का मुंह तो देख लिया मैंने। Thank you.
क्या हुआ? दिल में एक वहम है सुरैया बीबी, नहीं निकलता। सिर्फ एक वहम है? दो चार दफा सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़, अगर एक वहम है तो निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ, मैं क्यों चाहती हूं कि शौकत अली का ब्याह आज जरा से हो जाए? सच बताऊं? सच बताओ। तुम चाहती हो कि वो गांव छोड़ के ना जाए? आपको लगता है मेरी नीयत बुरी है? ना चलिए, तेरी नीयत पे जो शक करे शाम से पहले मरे। तुझे लगता है मेहर की नीयत बुरी है? नहीं सुरैया बीबी, मुझे तो मेहर साहब पे यकीन आ गया। इसी बात का वहम है तुझे कि तुझे मेहर साहब पे यकीन आ गया? और मेरे सलाम आने, जब तक इन दोनों का ब्याह ना हो जाए अपने वहम का इलाज ना करें तो फिर आप जाओ उसके पास, आपकी बड़ी इज्जत करता है, समझाओ उसे कि गांव छोड़ के ना जाए, ब्याह करने पे राजी है, गांव में रहने पे राजी नहीं है। मैं कैसे जा सकती हूँ? मेहर साहब को खबर मिली तो आके तमाशा कर देंगे। तमाशा करेंगे तो पता चल जाएगा कि टोपी तस्बीह नमाज बस एक दिखावा है, या फिर साबित हो जाएगा कि वहम जो दिल में है निरा वहम ही है। मेहर साहब की तो सचमुच दुनिया ही बदल गई है, नहीं तो सुरैया बीबी नहीं हाजरा ने रोल जाना है। मैं जाके रोकती हूँ उसे, तू फिक्र ना कर, जाने की बात करेगा तो मुंह पे चपेड़ मारूंगी उसके। चल शूट बट, आधे घंटे में स्टेशन ना पहुंचा तो गड्डी निकल जाएगी। ये तू ठीक नहीं कर रहा शौकत अली, साइकिल चला फिर कर बात। रखी अगर चाहती है कि तू गांव छोड़ के ना जाए तो इसमें जरूर कोई बात होगी शौकत अली। रखी सिर्फ ये चाहती है हाजरा से मेरा विवाह हो जाए, उसे बस मेरी फिक्र है। वो ये नहीं सोचती कि तेरा दिल टूट जाएगा। ओ नहीं, ओ मेरा दिल नहीं टूटता, मैं तुझे लिख के देता हूं, बस तू गांव छोड़ के ना जा। पागल हो गया, और तेरा लिखिया मन भी लूं तो हाजरा से ब्याह करके गांव में रह सकता हूं, तेरा सामना कर सकता हूं मैं। तेरी अख से अख नहीं मिलाई जानी। चल साइकिल चला, देर हो रही है। Thank you.
किसको साथ लेके फिर रहा है भोले? मैं उमेर साहब, शौकत अली। शौकत अली साहब, सरकार कहाँ जा रहे हैं? शहर जा रहा हूँ मैं सर। रखी ने मना किया था या पूछ के आए हो उससे? ना पूछ के ना लुक के, शहर जाना जरूरी है मैं सर। पूछे तो समझा रहे हैं, पर कोई रोके ना मुझे। बाकी अपने वादे पे कायम आऊंगा तो वादा पूरा करूंगा। रब राखा। रब ही राखा है। कितने बजे जाती है शहर वाली ट्रेन? 6 बजे मेहर साहब। 6 बजे तो फिर यही रोक ले गड्डी। 6 बजने दे, कोई पीछे ही ना चला जाए ना। अपने शौकत अली का कुछ पता है मौलवी साहब? वही बताने आया हूं तुझे, वो चला गया है शहर 6 बजे की गड्डी से। सुरैया बीबी, आपकी बड़ी इज्जत करती, बड़ी इज्जत करती, इज्जत करती। समझाओ 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 कि गांव छोड़ के ना जाए। ओए 6 तो बज गए हैं, गड्डी तो आ गई है। ओए ना कि गड्डी तू समझ के चली गई है, अब खेल शुरू कर। अभी? अभी नहीं, इसी वक्त। ओए कुदरत की तरफ से इशारा है बेवकूफा, मौका हाथ से नहीं गवाना चाहिए। टाइम वेस्ट नो, अंग्रेजी जानता है जी। मेहर साहब हुक्म करें माई बाप। हवेली में तुझे कोई जानती है जी? हवेली में
वो और शर्माता क्यों है बता ना। वो कलसूम से है, थोड़ी सलाम दो। जा फिर उसको साथ ले जा, पक्का करके ले जाना, समझ रहा है ना? ठीक है बस। पैसे उसकी तली पे रखना और समझाना, जरा भी शक ना हो। उसे क्या है कि रखी ने हवेली में बुलाया है, जा। ठीक है मैं सुन। सुन ना, उधर कहाँ जा रहा है, जा गड्डी ले जा। तो जा, ओए जा ना, मैं गड्डी का मोहताज नहीं है ना कि। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। कहाँ है शौकत अली? वो तो चला गया। कोई फोन नंबर, एड्रेस? हाँ जी, जादूगर जा, कुछ भी हो हाजरा को अकेले ना छोड़ना, जल्दी कर। ठीक है। पुत्र जल्दी से रोटी दे दे, बड़ी भूख लगी है। पता नहीं पाए बना रही है, इतनी देर कर दी। बिस्मिल्लाह। कुलसूम तू कैसे आई है? रखी बीबी ने भेजा है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, गाड़ी भेजी है कि फौरन आए। अब्बा जी, रखी ने बुलाया है, मैं जा रही हूं। स्वादी है, बहुत स्वादी है। चल। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है।
ये रास्ता तो हवेली नहीं जाता। हवेली में नहीं है रखी बीबी, फार्म हाउस पे है। एक दिन वहां रहती है, एक दिन हवेली में रहती है। अच्छा, सलाम चाचा जी। सरैया बीबी, धन भाग भाई, आओ बैठो, आओ बैठो। हाजरा कहाँ है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सरैया बीबी मेरे घर में। हाजरा कहाँ है? शुक्र है। ये हाजरा के अब्बा जी है ना? हाँ जी। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ हाजरा कहाँ है, वो अपना ही सबक पढ़ाई जा रहे हैं। चाचा जी, हाजरा कहाँ है? हाजरा कमीने, तेरे हाथ नहीं आऊंगी। चल चल भाग फिर, मैं कब कहता हूं कि मेरे हाथ आ जा, बचती है तो बचा ले।
ना कि हाथ नहीं आऊंगी। क्या हुआ, थक गई है? बस बोला इसे छोड़ दो मेहर साहब। बाज ना आए, ना कि तू बाज ना आए। पागल हो गई है, और बड़ी मुश्किल से तो आता ही है मेरे, और तू कहती है कि छोड़ दूं। कैसे छोड़ दूं इसे? मैं गोली चला दूंगी मेरे साथ। तू गोली चलाएगी? ओए अपने मेहर पे तू गोली चलाएगी? हाँ चल जा, ना कर, रंग में पंग ना डाल, जा यहाँ से। मैं सच कह रही हूँ मेरे साहब, गोली चल जाएगी। अच्छा बहुत टीट है भाई तू, चला गोली, चला ना, जल्दी कर, ना कि और भी बहुत से काम करने हैं मुझे, चला गोली। मैं 3 तक गिनूंगी मेरे साहब, फिर अल्लाह मुझे माफ करे। ओ भाई तू 3 तक ना गिन, मैं गिन लेता हूं, या फिर 1, 2, 3। गोली चल गई है, और मुझे अस्पताल ले जाओ।
میں مر تو نہیں جاؤں گا کہیں ٹپڑے. نہیں مہر صاحب نہیں, ایک گولی سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا. ناکی کتنی دور آئے اسپتال؟ بس سمجھا پہنچ گئے, نہر کی پولی پار کی تو دو منٹ کا راہ ہے. کیا ہو گیا ہے؟ میں سب گڈی بند ہو گئی. اوے ناکی پٹرول تو نہیں کہیں مگ گیا اس کا؟ میٹ ٹینکی فل ہے. اوے کوشش تو کر پھر سٹارٹ کر دی. قدرت بھی ظلم کرنے والوں کے ساتھ باندر کی لا کھیلتی ہے, لمبی رسی دے دیتی ہے اس کے ہاتھ میں اور قلعے کے گرد ڈھیر جوتیاں. رسی چاہے جتنی لمبی ہو جوتیاں کھسکتی جاتی ہیں. آخر بھاگ کر اس طرف جانا پڑتا ہے
जहां हिसाब होना लिखा है। जुल्म करते हुए बस इतना याद रखो, उस वक्त जूती कुदरत के हाथ में होती है और उसका निशाना कभी खता नहीं होता। छटण वेख वफावा इश्क दिया, जान छटण वेख वफावा।